नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में होने वाली भर्ती की। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के खाली चल रहे 12,000 पद भरे जाएंगे। इस समय स्कूलों में सबसे ज़्यादा JBT और TGT के पद खाली हैं। दोनों वर्गों में 10,000 पद खाली हैं और प्रवक्ताओं के 2,000 पद खाली चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग से मंजूरी लेकर इस मामले को आने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इस समय प्रदेश में 6,000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्तियों से जुड़े मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। इनमें शिक्षा विभाग के सबसे ज़्यादा मामले हैं। कोर्ट में पेंडिंग मामलों को सुलझाने के लिए अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं, इस पर भी विभाग से रिपोर्ट मांगी जा रही है। 26 जनवरी के बाद शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होगी। इसमें NTT भर्ती सहित सभी भर्तियों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही इसमें विभाग के सभी मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। यहाँ 25 से 30% स्टाफ हमेशा से कम रहता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर नियम बनाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ता है। इसके अलावा पूर्व सरकार ने शास्त्री व भाषा टीचर को TGT पदनाम दिया था, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई। ऐसे में शिक्षक सरकार से जल्द इसकी अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही मामला सुलझाया जाएगा। अब बात करते हैं TGT भर्ती के बारे में। राज्य के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से TGT शिक्षकों के पदों पर रिक्तियां चल रही हैं, लेकिन अभी तक इन्हें भरने के लिए मंजूरी नहीं मिल पाई है। स्कूलों में TGT के 1587 पद खाली चल रहे हैं और पिछली सरकार से भी इन पदों को भरने के लिए मंजूरी ली गई थी। हालांकि JBT से TGT के पदों को प्रमोशन आधार पर भरा जा रहा है, लेकिन कमीशन की ये भर्तियां लंबे समय से लटकी हुई हैं। इन भर्तियों के लिए अब शिक्षा विभाग को प्रदेश सरकार से जल्द मंजूरी का इंतजार है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही ये प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। प्रदेश में इसमें करीब TGT के 845 पद खाली होने के बाद अब एक बार फिर TGT के सैकड़ों पद खाली हो गए हैं। दूसरी तरफ कमीशन और बैचवाइज आधार पर 1587 पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये भर्तियां होनी हैं। इसमें 87 पदों को भरने के लिए पहले मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन विभाग तब तक इन पदों को भी नहीं भर सकता जब तक बाकी पदों को भरने के लिए मंजूरी नहीं मिल पाती। ऐसे में TGT की भर्तियों के लिए सरकार से अप्रूवल का इंतजार है। ये भर्तियाँ अनुबंध के आधार पर होनी हैं। इनमें TGT आर्ट्स के 744 पद भरे जाने हैं, जबकि TGT नॉन मेडिकल के 557, TGT मेडिकल के 286 पदों सहित कुल 1587 पदों पर भर्तियां होनी हैं। TGT भर्ती पे कोई भी सूचना आते ही मैं अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।